नमस्कार, हेलो आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और सबके मन में बस यही सवाल चल रहा है कि भाई इंडिया का वर्ल्ड कप स्क्वाड आ चुका है, क्या शिखर धवन को जगह मिलनी चाहिए थी। ये सवाल का जवाब आपको इस हमारे होने वाले सीरीज में पता लगने वाला है, जहां पे एक तरफ गिल बैटिंग करेंगे, एक तरफ शिखर धवन बैटिंग करेंगे और हम करेंगे गेंदबाजी वर्ल्ड कप स्क्वाड के साथ जो इंडिया के सामने रियल में खेलने वाले हैं। लेट्स सी, आज पहला राउंड है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। मुझे नहीं मालूम वीडियो कितनी बड़ी होगी क्योंकि बिल्कुल आइडिया नहीं कि दोनों कितने रन बनाएंगे या दोनों में से कौन पहले आउट होगा। जोड़ी आ रही है शिखर धवन विद शुभमन गिल, लेट्स सी कौन बनाता है यहाँ पे ज्यादा रन। तो ये आ गए शिखर धवन, पहली स्ट्राइक ले रहे हैं। रैंडम था ये, इसको मैंने कुछ ज्यादा सेट नहीं किया है। शिखर को स्ट्राइक मिली है, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ रैंडम। हो सकता है अगले मैच में मिले, हो सकता है ना मिले अगले राउंड में, आई डोंट नो। अब सवाल ये उठ रहा है कौन कितने रन बनाएगा, क्या धवन बेहतर है गिल से। तो पैट कमिंस को दिए मैंने गेंदबाजी, रियल में जितने बॉलर्स हैं वही सब खेलने वाले हैं। और पहली गेंद शिखर धवन के बल्ले से चार रनों के लिए। शुरुआत तो अच्छी की है बट भाई एक गलती आपकी इनिंग खत्म कर देगी। बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा डिफिकल्टी क्या है। भाई डिफिकल्टी है यहाँ पे एक्सपर्ट मोड सेम है दोनों के लिए। अगली गेंद भी चार रन जा रही है। 50 ओवर के इस मैच में धवन ने दो गेंदों में दो चौके लगा दिए। गलती का इंतजार करते हुए पैट कमिंस, अब वो नहीं होगी, तीसरा चौका यहाँ पे। ओहो भाई मैं तो विकेट के लिए कर रहा हूँ, यही अगर मिस करेंगे तो आउट भी होंगे। ग्रिप बदला है, स्लोवर प्लेयर डालने जा रहे हैं बट स्लोवर में भी फास्टेस्ट, और ये शिखर धवन को आउट कर दिया है पैट कमिंस ने। अब मैं भाई एज ऑस्ट्रेलियन सेलिब्रेट कर रहा हूँ बट अगर धवन 12 से धवन अगर 12 पे आउट हुए, गिल अगर 12 से ज्यादा कर जाएंगे तो गिल विल विन द फर्स्ट राउंड ऑफ गिल वर्सेस धवन मैच। भाई देखो इस गेम में जिस तरह से उनको बनाया गया उसी तरह से ये लोग खेलते हैं, तो उसमें मेरे हाथ में नहीं है। मैं एज अ बॉलर अपना सेम एफर्ट डालूंगा विकेट का। अब सब लोग बोलेंगे भाई बाकी प्लेयर का क्या, भाई बाकी प्लेयर का हाईलाइट में कुछ भी नहीं आने वाला, ये मैं खाली दिखा रहा हूँ। अरे बाप रे, ओ विराट कोहली पर भी क्वेश्चन मार्क लगा गई है। तो भाई ये रिप्ले में नहीं आएगा, मतलब अब कोई और बॉल नहीं आएगी, ये आ गई। अरे बाप रे क्या हो गया। अरे मंकी आया है, दिखाओ मंकी को भाई, वो रहे हमारे मंकी। खाओगे बिस्किट, खाना है कुछ, आओ इनको बिस्किट दे दे थोड़ा। रिकॉर्ड करने तो ऐसे वीडियो अपलोड नहीं हो रहे मेरी। एक लाइक भाई उस मंकी के नाम। फाइनली अब शुभमन गिल का स्ट्राइक आ गया है और गेंदबाजी में मैंने मिचेल स्टार्क को बुलाया। लेट्स सी क्या गिल 12 से ज्यादा मार पाएंगे। भाई चांस है 12 से कम में भी आउट होने के, इसमें कोई शक नहीं, बट हाँ विकेट खो दिया है। लेट्स सी फिर भी 12 रन गिल को इंडियन पिचेस पे, धवन से बेहतर होने के लिए 12 रन। मिचेल स्टार्क का यॉर्कर लेंथ गेंद कट किया है, पहला रन। तो फाइनली 8 गेंदों के बाद गिल की बैटिंग आई है और भाई अय्यर ने बीट कर दिया है धवन को, और उसी के पीछे पीछे ये रुक रही है गेम। 3 आ सकते हैं मैक्स, तो शुभमन गिल 3 गेंदों के बाद पहुंचेंगे 4 रनों पे। शायद एक और आ सकता है 4 एक्स्ट्रा अगर ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो। नहीं जी हाँ, सोचा समझा गेंदबाजी चेंज है। एडम चंपा आते हुए गिल के सामने, डॉट अभी भी 8 रन और डॉट। एक बस ये गैप चला जाए ना 2 तो निकल जाएंगे। पहली फास्टर थी, उससे फिर मीडियम डाली और ये सबसे स्लो। एक रन तो देंगे ही देंगे, 6 में 6। बट सवाल उठ रहा है भाई वनडे इनिंग का, हु विल मेक द मोर रन्स। और यहाँ पे गैप मतलब डबल्स तो आ ही रहे, कम से कम 7 गेंदों में 8। अब बस 1-4 दूर, ऑप्शन पॉइंट पे 2 फील्डर मौजूद, गली भी डीप और ये गैप। अगर फील्डर ने वक्त लगाया तो 2 आ सकते हैं। और जी हाँ डबल डिजिट में इस डबल्स के साथ शुभमन गिल, शॉर्ट पिच रखी गेम थोड़ा सा अलग और ये डॉट। ठीक है, यही कैच भी हो सकता था। शुभमन गिल के फैन बोलेंगे भैया मार दे 2 शॉट, 1 नहीं लगा तो जरूर बट रन नहीं। दूसरी तरफ धवन के फैन भी होंगे भाई बोल्ड हो जा, कैच हो जा, आउट हो जा। और ये 4 रन और इसी के साथ द फर्स्ट राउंड वन बाय शुभमन गिल। 1-0 की लीड आ गई हमारे इस सीरीज में गिल वर्सेस धवन में। आप लोगों को क्या लगता है भाई, आप लोगों के हिसाब से अगर आपको चुनना होता, आप सिलेक्टर होते
धवन को चुनते या गिल को चुनते, एक चीज ध्यान रखना, इंडियन पिचेस है ना कि फॉरेन पिचेस। मुझे नहीं मालूम आगे गिल कितनी बड़ी इस इनिंग को बनाते, बट एटलीस्ट गिल से धवन से वो आगे निकल गए। तो ये राउंड वन में इतना ही रख रहे हैं, राउंड टू में भी हम लोग मुलाकात करेंगे नई टीम के साथ, बट धवन और गिल का जो फाइनल फैसला है वो भी आगे के मैचेस में होता रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, लाइक कर देना इस नई सीरीज को ताकि मैं जल्दी लाऊं, इंतजार ना कराऊं आप लोगों को।